आज भदोही में करीब 10 बजे के आसपास एक मैसेज आया कि मछली मंडी जो मेन मार्केट में जगह है वहाँ से एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। इस सूचना पे तत्काल SHO महफोर्स के मौके पर पहुँचे। वहाँ पर जानकारी हुई एक सफ़ेद रंग की अर्टिगा गाड़ी थी जिसमें 4 लोग सवार थे और एक व्यक्ति को उसमें उठा करके ले गए। उसका गाड़ी का वहाँ पर कुछ लोगों ने फोटो वीडियो बनाया था, उसका नंबर ट्रेस हो गया, उस लड़के का भी पता ट्रेस हो गया, उसका मोबाइल नंबर मिल गया। इस सूचना इतनी पर्याप्त सूचना के आधार पर SHO भदोही पूरे महफोर्स के अपने 24 इंचार्जों के साथ और क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना करते हुए ये लोग फॉलो किए। ये रामपुर जौनपुर की तरफ ये भागना बताया गया। इन लोगों ने फिर उसको पीछा करके घेर के पकड़ा। वहाँ पे मौके पर उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, एक मोहम्मद मुअज्जम, फैजुर रहमान कैफ, ये 3 लोग थे जो जौनपुर के निवासी हैं, और एक ड्राइवर मोहम्मद रस्तम। इसमें प्रकरण ये निकल के आया कि जो मुअज्जम है, जो व्यक्ति जिसका अपहरण किया गया था रिजवान, जो भदोही कस्बे का रहने वाला है, इसकी अभी मई में शादी हुई थी और वो जिससे शादी हुई वो लड़की जौनपुर के रहने वाली है। उस लड़की से मुअज्जम के प्रेम संबंध थे पिछले 4 सालों से, और अभी शादी हुई तो इसको इस आशा से अपहरण करके ले गया। इस लड़के को रास्ते में उसी के फ़ोन से उस लड़की को, उसके लड़की के फादर को फ़ोन कराया कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। उसे तलाक का उस पर कराया कि तुम बताओ इनको, 3 बार बताओ हम तलाक करेंगे। और फिर इसको धमकी दिया कि दोबारा तुमने पुलिस को सूचना किया या दोबारा इस लड़की से संपर्क किया तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने सकुशल इनको बरामद किया और ये चारों जो अपहरणकर्ता थे इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। लड़के को सुरक्षित लाया गया थाने पर। इनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, वो अर्टिगा गाड़ी और एक 315 बोर का तमंचा, एक एयर पिस्टल जो बिल्कुल देखने में गन जैसी है, और एक चाकू, एक इनके पास से बैग बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना भदोही पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और आगे।